हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के सी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग डेज वन से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप एक नोट्स लेकर के बैठ जाइए और यह सीरीज जो है काफ़ी दिनों तक मैक्सिमम जो है कि 60 दिनों तक ये सीरीज पर डे जो है इसका वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो से, मेरी इस टीचिंग के मेथड से यदि आप सीखेंगे स्पीकिंग तो बेटर सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम स्पीकिंग स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ी बात होती है स्टार्टअप करना, क्योंकि जब तक आप स्टार्टअप नहीं करते तब तक आपको बहुत बड़ा कोई भी काम हो बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है। सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, बिना स्टार्ट का कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको, जब आप सुबह में उठते हैं तो यहाँ पे उठने का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, क्या बोलेंगे आप? अब मैं उठ चुका हूँ। जैसे कह सकते हैं आई गॉट अप राइट नाउ या आई गॉट अप नाउ, अब मैं क्या हो चुका हूँ? उठ चुका हूँ। अगला सेंटेंस है मैं बेड से उतर रहा हूँ। जैसे आप उठने के बाद आप बेड से क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अप द बेड। इसके बाद दिया गया है मेरा स्लीपर कहाँ है। आप बेड से जब उतरते हैं तो तुरंत नहीं पूछते हैं कि वेयर इज माई स्लीपर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी से बोलना नहीं है दोस्तों, ये आपको अपने मन ही मन में मंबलिंग करना है। मतलब जैसे बड़बड़ाना होता है, बुदबुदाना होता है, तो मन ही मन में करना है। और ऐसा कब तक करना है? जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस न हो जाए। तो अब आप सुबह उठेंगे तो जैसे ही बेड से उठते हैं तो आप बोलते हैं आई हैव गॉट अप। उठने के बाद जब उतरते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अप द बेड। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा स्लीपर। जैसे आप स्लीपर खोजते हैं ना, वेयर इज माई स्लीपर्स। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब स्लीपर आपको मिल जाता है तो मिलने के बाद आप क्या करते हैं? I put on the slippers now। अब मैं स्लीपर को क्या कर लेता हूँ? पहन लेता हूँ। I put on the slippers now। इसको स्लीपर्स मत पढ़िएगा दोस्तों, खींच के स्लीपर्स, ठीक है। अगला है, जब आप स्लीपर्स पहन लेते हैं तो आप टाइमिंग भी देखते हैं कि कितना बजा है ना। तो आप देखते हैं जैसे इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, आपके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा। यदि आपको टाइम का अगर इंग्लिश नहीं आता है, जैसे क्लॉक को इंग्लिश में देखना नहीं आता, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो अगला सेंटेंस है वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। ये कब आप कहेंगे? जैसे कोई आप मन ही मन में बोल रहे हैं, अगर यदि आपसे कोई पूछे कि वाई आर यू मम्बलिंग या व्हाट आर यू मम्बलिंग, तुम बड़बड़ा क्यों रहे हो या तुम बुदबुदा क्यों रहे हो, तो आप बताएंगे ना? क्या बताएंगे कि एक्चुअली जो है आई एम लर्निंग इंग्लिश, कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। नाउ डेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं नाउ डेज का मतलब होता है आजकल जो है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। अगला है आई गो फॉर रनिंग नाउ। जैसे आप इसके बाद जो आप जाते हैं किसके लिए? उठने के बाद कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो बोलेंगे आई गो फॉर जॉगिंग, आई गो फॉर जिम, आई गो फॉर वॉकिंग। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस जो आप इधर बोल सकते हैं, मैंने दिया है। यदि आप किसी के घर भी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं आई गो फॉर अमित हाउस, मैं अमित के घर क्या कर रहा हूँ? मैं अमित के घर के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप अगला है, जब आप घर पर आते हैं तो आप ब्रश करते हैं, बोलेंगे आई ब्रश माई टीथ नाउ। अब मैं क्या करता हूँ? ब्रश करता हूँ। बट अभी आपने ब्रश नहीं किया, आप खोजेंगे कि ब्रश कहाँ है, तो आप बोलेंगे मन ही मन में वेयर इज माई ब्रश, या ब्रश आपको मिल गया फिर उसके बाद खोजेंगे क्या? पेस्ट, वेयर इज माई पेस्ट। ऐसा नहीं है कि दोस्तों रहता तो ऐसे दोनों साथ ही में है, आप जहाँ पर भी रखते हो, लेकिन मन ही मन में बोलना ही होगा कि वेयर इज माई ब्रश, वेयर इज माई पेस्ट, ठीक है। जब आपको दोनों मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पेस्ट को ब्रश पर लगाते हैं। तो जब पेस्ट को ब्रश पर लगाते हैं तो आप बोलेंगे आई पुट द पेस्ट कहाँ पर पुट करते हैं? ऑन द ब्रश, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, ठीक है। मैं पेस्ट को क्या करता हूँ ब्रश पर लगाता हूँ, उसके बाद एंड स्टार्ट, फिर मैं क्या करता हूँ? स्टार्ट करता हूँ ब्रश करना, क्या कर देता हूँ? स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिमाग में एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। जब आप बेड से उठते हैं तो क्या बोलते हैं? कि आई हैव गॉट अप, ठीक है। जब उतरते हैं तो आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। इसके बाद
खोजते हैं वेयर इज माई स्लीपर, फिर इसके बाद स्लीपर मिल जाता है तो क्या होता है आप पहनते हैं, पहनने का क्या होता है आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, जब मिल जाता है तो आप जाते हैं घूमने के लिए, आई गो फॉर वॉकिंग, आई गो फॉर जॉगिंग। वॉकिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, घूमना, जॉगिंग मतलब थोड़ा धीरे धीरे होता है, और रनिंग मतलब क्या होता है काफ़ी तेज़ी से दौड़ना होता है। तो अगला है, जब आप इतना सब कुछ देख लेते हैं, इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, जितने बजे भी उठते हैं आप एक बार घड़ी को भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगला है, अगर कोई आपसे पूछ भी देगा कि आप बड़बड़ा क्यों रहे, तो होता नहीं, सामने वाला पूछ देगा वाई आर यू मम्बलिंग, वाई आर यू बम्बलिंग, या वाई आर व्हाट आर यू बम्बलिंग, क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो, तो बताइएगा ना, नाउ डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए ब्रश करने के लिए, आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं क्या करता हूँ ब्रश करता हूँ। इसके बाद दिया गया, जब ब्रश आप करने के लिए जाएंगे तो तुरंत आप क्या करेंगे, खोजेंगे वेयर इज माई ब्रश, वेयर इज माई पेस्ट, जब पेस्ट मिल जाएगा तो बोलेंगे ना आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, क्या करेंगे आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, आफ्टर दैट आई स्टार्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद दिया गया है अगला सेंटेंस, आई टुक 5 मिनट टू ब्रश माई टीथ, मैं अपना ब्रश करने में कितना समय लेता हूँ 5 मिनट, आई टुक फाइव मिनट्स टू ब्रश माई टीथ, ब्रश करने में मैं अपना ब्रश करने में कितना समय लेता हूँ 5 मिनट का समय लेता हूँ। आगे आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू बाथरूम, कि आप नहाने के लिए भी क्या करते हैं जा रहे हैं या जाते हैं। फिर इसके बाद आई एम अप्लाइंग सॉप ऑन माई बॉडी, उसके बाद जब आप, हो सकता है आपको कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप नहाते वक्त भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम अप्लाइंग होगा क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो, आई एम अप्लाइंग सॉप ऑन माई बॉडी। और शैम्पू की बात करें, शैम्पू तो कभी कभी लगाते हैं तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर, ठीक है। इस तरीके से आप डेली रूटीन सेंटेंस को कुछ, ये जो हैं आपके दिए गए हैं, इसको आप बोलिए और मन ही मन में बोलते रहिए। आज इसको पढ़िए, सुबह में आप ऐसे उठ करके देखिए, बोलिए आप कितना बोल पाते हैं, और एक बार इसको नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। कल आपको डेज 2 का सीरीज में आप लोग को दूंगा। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए किस चीज़ पे आपको वीडियो बेटर से बेटर चाहिए, मैं उसको बना करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।